होता है इन्होंने। देखो हमारा मरीज कैसे, मगर हम ऐसी निभाना ही नहीं, हम क्या करेंगे। पकड़ी है मैंने, पकड़ के रखना। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितने मजबूर हैं ये लोग, जो कि एक पेशेंट को स्ट्रेचर पे उठा के बर्फबारी के दौरान बहुत जद्दोजहद करके अस्पताल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी बर्फबारी होती है, कोई इमरजेंसी केस होता है, कोई बीमार होता है, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेचर पर मरीज को लेके जाना पड़ता है, जिससे कई बार लोगों की जान भी चली जाती है, कईयों की बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ भी जाती है। और ये वीडियो साउथ कश्मीर के कुलगाम का है, और कुलगाम का आखिरी गांव विलेज खुल रिंगर ब्लॉक डीके मार्ग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनका कहना है एलजी इंतजामिया से वो गुहार लगा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारे ऊपर भी तवज्जो दीजिए। चलिए उन्हीं की जुबानी उनका ये दर्द सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये हम नागनीपाल कस्बे खोल रिंगत खारपुरा के रहने वाले हैं जनाब। देखिए हमें रोड की प्रॉब्लम होने की वजह से, देखिए हम पेशेंट को कैसे कंधों पे लेके इस बर्फबारी में आज हम किस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने इंतज़ामिया से बहुत बार गुजारिश की थी कि हमें रोड दीजिए, रोड दीजिए सर। सर रोड तो हमें चार बार भी सेंक्शन होगी, मगर इस रोड का काम आज तक किसी ने भी नहीं किया। हम एसीडी साहब के पास भी गए थे, तहसीलदार साहब के पास भी गए थे, और एसडीएम साहब के पास भी, मगर हमारी गुजरों की तो कोई सुनता ही नहीं है जनाब। क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो अंधा कानून नूराबाद कस्बे खुल में है और किसी जगह नहीं। हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि हमारी इस बात पे गौर किया जाए जनाब, गौर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे गुजर लोगों की कोई नहीं सुनता। क्योंकि यहाँ पे सब कहते हैं हाँ दे देंगे, आते चलते तो सब है, मगर हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जनाब। क्योंकि यहाँ पे ये अंधा कानून कस्बे खुल में है, क्यों हम नागीपाल के रहने वाले गुजर हैं। देखिए इस पेशेंट को हमने श्रीनगर से लाया, मगर क्या करें जनाब, ये होगी आज की बात। जब बहुत सारी बर्फ पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे, किससे बताएंगे, हमारी कौन आवाज सुनेगी यहाँ पे। ना ही हमें यहाँ बिजली है और ना ही रोड है, रोड हमें सेंक्शन है मगर काम नहीं लगा रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम से हमारी ये गुजारिश है कि इस बात पे गौर करें, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं बेचारों। आप खुद देखिए जनाब, यही वो नाला है जहाँ से हमें पीआरआई के तहत ब्लॉक डीके मार्ग के तहत हमें ये रोड सेंक्शन है, और आप देखिए पेशेंटों को कैसे कंधों पे लेके हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बात कोई सुनने के लिए जब तैयार ही नहीं तो हम क्या कर सकते, हम किससे कहेंगे। आराम ना हमारी यही गुजारिश है जनाब, मेहरबानी करके हमें रोड दे दें बस, और हमें कुछ नहीं जरूरत। देखिए जनाब कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमें, बहुत मुश्किल है, हमें 50 किलो का ठेला उठा कर बच्चों को देना पड़ता है सर घर में, हमारी अल्लाह से बगैर कोई नहीं। आराम ना ही हो, पत्थर मोड़ चल तो अपना गज पकड़ी आज जनाब 10 दिसंबर 2022, और हमने
कंधों पे उठा के इन पेशेंटों को हम ले आते हैं यहाँ अपने घर तक, क्योंकि रोड रोड नहीं है जनाब, रोड नहीं है, कोई रोड नहीं, कोई पावर नहीं है सर हमें। हाँ रशीद काका आप बताइए क्या बात है, मतलब बात आप... ये कि हमारा मन तो सुनने को, दो तीन दरखास्तें हमें पहले डीसी साहब को भी दी थी, हाँ, और मन तो धमाल में भी दी थी, हाँ, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, किसी ने हमारी नहीं सुनी, और हम 50 किलो का ठेला उठाकर कंधों पे उठा के, बहुत बर्फ होती है बच्चों को देते, आप यहाँ से ऊपर रहते हो नाले में है ना, बहुत ऊपर रहते हैं सर, तो कोई सुन नहीं पाता, हमारे बीमार होते हैं, देखो अभी पेशेंट की क्या हालात है, कैसे उठाकर कंधों पर लाइए घर में, तो बहुत मुश्किल है, इंसान मर भी सकता है, अगर मर सकता है तो गाड़ी से बिना कहाँ लेंगे हम, गाँव भी हमारे से दूर है सर, तो हमारी कोई नहीं सुनता सर, कल भी मन तो जीपीसी आई वहाँ रोक दी गाँव वालों ने, जेसीबी कल लगी थी नीचे रोड, कल लगी थी ना इधर नीचे रोड में, इधर खारपुरा इस नाले में, खारनाड़ में है ना, तो फिर वापस कर दी हमारी कोई नहीं, आज भी हमें जाना था धमाल, तो सर कैसे जाएंगे, पेशेंट को कहाँ छोड़ेंगे, तो वो पीआरआई के तहत वो रोड आई थी है ना, डी के मरग ब्लॉक से, हाँ सर ठीक है ठीक है, ये गांव वालों ने क्या बोला, हम इन गुजरों को रोड नहीं देंगे, यहाँ से नहीं देंगे सर, हमें रोड दीजिए सर, आसमान से भी दीजिए, हमें रोड चाहिए बस, हमारा ये मस्कत और पावर, क्योंकि जो ये नाला है ना यहाँ से ऊपर, ये वाला नाला, ये नाला स्टेट लैंड आती है 50 फुट, और स्टेट लैंड से ही हम इन्हें कहते हैं कि हमें आप 50 फुट में से 10 फुट रोड दीजिए, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है जनाब, यहाँ पे अंधा कानून चल रहा है, अंधा कानून खुल में, ओए खुदा यार।